मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा क्लास 11th बायोलॉजी में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम जैव अणु के पार्ट टू के संबंधित क्वेश्चन आंसर अध्ययन करेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। लघुत्तर प्रश्न देखते हैं। जीवधारियों के शरीर में पाए जाने वाले 7 प्रमुख खनिजों के नाम तथा प्रत्येक का एक एक कार्य लिखिए। यहाँ पर बहुत सारे खनिज इसमें दिए हैं, इनके नाम और उसका कार्य लिखना है। बहुत अच्छे से आप वेल नोन है बच्चों इस चीज में। कैल्शियम संकेत है CA। कार्य क्या है? जंतुओं की अस्थि और दांतों को मजबूती देने के साथ क्या थक्का के निर्माण में तथा पादपों में कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है। दूसरा है सोडियम संकेत Na। तंत्रिकीय आवेगों के संवहन में मदद तथा कोशिका के जल संतुलन एवं परासरण नियमन में सहायक। तीसरा है आयरन, इसका सिंबल है Fe। ये साइटोक्रोम तथा हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में आवश्यक है। चौथा मैग्नीशियम Mg। हरित लवक का आधारी अवयव है, राइबोसोम से पॉलीराइबोसोम बनने में सहायता करता है। पोटेशियम, जिसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, रक्त के थक्का बनने में मदद करना तथा सहकारक के रूप में कार्य करना। छठवा आयोडीन I से थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में भाग लेता है। सल्फर S से डिनोट करते हैं। कई अमीनो अम्ल विटामिन तथा कोएंजाइम A के संश्लेषण में सहायक होता है। आठवा है फास्फोरस, इसको P से दर्शाते हैं। ये ATP कोएंजाइम जैसे NADP तथा RNA व DNA के निर्माण में सहायक होता है। मतलब ये जो खनिज हैं, ये बायोमोलिक्यूल्स और बायोफंक्शन में कितने इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। ग्लाइकोसाइडिक एवं पेप्टाइड बॉन्ड क्या हैं? ग्लाइकोसाइडिक बंध, 2 मोनोसैकेराइड अणुओं के बीच में बनने वाला बंध जिसमें एक मोनोसैकेराइड का एल्डिहाइड या कीटोन समूह दूसरे मोनोसैकेराइड अणु के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से संयोजित होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। इस प्रक्रिया में जल के एक अणु की क्षति होती है। डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड में मोनोसैकेराइड इकाइयां इसी बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। अब देखो, यहाँ पर ये ग्लूकोज का एक फॉर्मूला है और यहाँ पर इसका चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो एक ग्लूकोज की एक यूनिट क्या कहलाती है? ये कहलाती है मोनोसैकेराइड। जैसे माले में रहते हैं ना मोती, इसी प्रकार से ये मोनोसैकेराइड, शर्करा की एक अणु जो जुड़ गया वो मोनोसैकेराइड कहलाता है। ठीक है, अब ये मोनोसैकेराइड की यूनिट दूसरे यूनिट से जुड़ती है, तो यहाँ पर इसका जो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है वो इसके कौन से ग्रुप से जुड़ता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। तो यहाँ पर CHO ग्रुप जो होता है, जो एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप कहलाता है, वो इसके OH ग्रुप से जुड़ता है। इस बीच में क्या होता है, एक अणु जल की क्या होती है, हानि होती है, और ये वाला जो बंध बनते हैं इसको ग्लाइकोसाइडिक बंध कहा जाता है। तो डाइसैकेराइड या जो पॉलीसैकेराइड बनते हैं उसमें जो यूनिट होती है वो मोनोसैकेराइड की होती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब आता है पेप्टाइड बॉन्ड। बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड में यूनिट कहलाती है मोनोसैकेराइड, उसी प्रकार से पेप्टाइड में अमीनो अम्ल की यूनिट कहलाती है। तो दो अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। पेप्टाइड बंध निर्माण में एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH दूसरे अमीनो अम्ल के अमीनो समूह से जुड़ता है। इस प्रक्रिया में एक जल अणु की हानि होती है। देखो बच्चों, यहाँ पर ये COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, COOH ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इतना पूरा। ठीक है, अब ये किससे जुड़ रहा है? यहाँ पर अमीनो ग्रुप से जुड़ रहा है और इसमें एक जल अणु की हानि होती है। तो जो बंध बनता है वो क्या बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। मोनोसैकेराइड के प्रमुख कार्य लिखिए। मोनोसैकेराइड के कार्य निम्न प्रकार हैं। अनेक जंतुओं में ग्लूकोज ही रक्त शर्करा होता है। स्तन ग्रंथियों में ग्लूकोज व गैलेक्टोज से लैक्टोज का निर्माण होता है। मोनोसैकेराइड ग्लूकोज श्वसन की क्रिया में टूटकर प्रत्येक जीवित कोशिका में जीविक कार्यों के लिए ऊर्जा देते हैं। मोनोसैकेराइड राइबोज एवं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्लों और न्यूक्लियोटाइडों के प्रमुख अवयव हैं।
पेंटोज तथा हेप्टोज प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। ग्लूकोज से बसा हुआ अमीनो अम्लों का संश्लेषण होता है। तो ये हैं डाइसैकेराइड्स के प्रमुख कार्य। चौथा देखो, डाइसैकेराइड या ऑलिगोसैकेराइड के प्रमुख कार्य बताइए। इसके प्रमुख कार्य क्या है? सुक्रोज का कई कोशिकाओं पौधों की कोशिकाओं में संग्रह किया जाता है, जिसका उपयोग भोजन के रूप में। लैक्टोज नामक डाइसैकेराइड दूध के रूप में बच्चों एवं मरीजों का प्रमुख भोजन है। कुछ ऑलिगोसैकेराइड जंतु कोशिका की कोशिका कला की बाहरी सतह पर प्रोटीन एवं लिपिड से जुड़कर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड अणु बनाते हैं। इनके द्वारा कोशिकाएं समान या भिन्न कोशिकाओं की पहचान करती हैं। कुछ ऑलिगोसैकेराइड प्रोटीन अणुओं के वलन में एवं कुछ कोशिकाओं को बाहरी वातावरण में उपस्थित हार्मोन्स आदि के अणुओं की सूचना प्राप्त करने में सहायक होते हैं। तो ये थे बच्चों ऑलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड के प्रमुख कार्य। अब हमको लिपिड के कार्य बताना है। तो पहला क्या है? यह विशेष रूप से जंतुओं व कवकों में संचित ऊर्जा के स्रोत के रूप में रहता है। त्वचा के नीचे एकत्रित होकर ताप अवरोधक के रूप में शरीर को ठंड से बचाते हैं। तंत्रिका ऊतकों के महत्वपूर्ण घटक व तंत्रिका आवेग संचरण में सहायक है। अनेक पौधों में भ्रूणावस्था में भ्रूणों को भोजन प्रदान करते हैं। नर और मादा हार्मोन को बनाने में मदद करते हैं। फॉस्फोलिपिड व कोलेस्ट्रॉल के रूप में कोशिका की झिल्ली का घटक बनाते हैं। तो ये हैं लिपिड के कार्य। अब हम आते हैं अमीनो अम्लों का महत्व समझाइए। अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड्स का क्या महत्व है? पहला, विभिन्न अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं, यानी प्रोटीन की यूनिट क्या हो गई? अमीनो एसिड। दूसरा, हार्मोन्स जैसे थायरोक्सिन एड्रिनेलिन के निर्माण में टायरोसिन सहायक है। यह जैव सक्रिय पदार्थ हिस्टामिन निर्माण में भाग लेते हैं। तीसरा, बहुत एडवर्स कंडीशन आ जाती है कि जब जीव को भोजन नहीं मिलता, उस स्थिति में ये ऊर्जा उत्पादन का कार्य भी करते हैं। चौथा, ग्लाइसिन अमीनो अम्ल हीम प्रोटीन के निर्माण में व ट्रिप्टोफान विटामिन निकोटिनामाइड व पादप हार्मोन इंडोल 3 एसिटिक एसिड बनाने में काम करते हैं। ये थे बच्चों अमीनो अम्लों का महत्व। नेक्स्ट देखते हैं अमीनो अम्ल की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करिए। अमीनो अम्ल लघु जैव अणु है जो किससे बनते हैं? CHON किससे मिलके बनते हैं? इनको छोटा सूत्र अगर हम याद कर लें तो क्या हो जाएगा? CHON मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। कुछ में क्या पाया जाता है? सल्फर भी पाया जाता है। यह मोनो या डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसमें एक या दो अमीनो समूह होता है। एक कार्बन कार्बोक्सिलिक सी से अगले स्थान पर होता है। एक कार्बन की संयोजकताएं क्रमशः एक अमीनो समूह, एक कार्बोक्सिल समूह, एक हाइड्रोजन परमाणु व एक पार्श्व श्रृंखला धारण करती है। पार्श्व श्रृंखला ध्रुवीय या अध्रुवीय हो सकती है। लाइसिन व आर्जिनिन क्षारीय अमीनो अम्ल है। ग्लूटामिक अम्ल एस्पार्टिक अम्ल अम्लीय है। एक अमीनो अम्ल व दो COH से मिलके बनते हैं। एलेनिन ग्लाइसिन वेलिन, आपने ध्यान दिया अमीनो अम्ल में इन प्रत्यय जरूर जुड़ा रहता है इसमें अक्सर। इनमें एक अमीनो व एक COH समूह होता है। दो अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ सकते हैं। ये तो हम पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, DNA व RNA में कोई तीन अंतर दिखिए। यह एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप चार्ट बना लीजिए। सबसे पहला अंतर क्या है? DNA में पेंटोज शर्करा कैसी होती है? डीऑक्सीराइबोज होती है। और RNA में राइबोज शुगर होती है। DNA के नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं एडिनिन गुआनिन साइटोसिन व थायमिन, यानी AGCT। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? AGCU। इसमें नाइट्रोजनी क्षारक क्या हो जाएंगे? AGCU। तो आपको याद रहेगा, भूलोगे नहीं कभी। यहाँ पर थायमिन के स्थान पर यूरेसिल बेस होता है। तीसरा, यह सामान्यतः द्विकुंडलित अणु है और RNA एक कुंडलित अणु है। यह सभी कोशिकीय जीवों का अनुवांशिक पदार्थ है और RNA केवल विषाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ है। यह अधिक स्थायी अणु है और RNA कम स्थायी अणु है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंसेस आप याद कर लीजिए। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली यूनिट डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।